नमस्कार दोस्तों, मेनुका किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पनीर के रस्सेदार सब्जी की रेसिपी बताने जा रही हूँ। ये सब्जी बनाने में बहुत ही सिंपल है और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है। आपने 300 ग्राम पनीर लेना है, ये वेरका का पनीर है। इस पनीर को आपने मंचा आकार में काटना है। काटने के बाद आपने इस पनीर को डीप फ्राई करना है। ये देखिए, मैंने पनीर को फ्राई कर लिया है। जैसे आपका पनीर फ्राई हो जाएगा, आपने एक बाउल में पनीर को निकालना है और इस फ्राई किए हुए पनीर में आपने ये एक मग पानी डालना है। इसके बाद आपने एक एक छोटी चम्मच नमक डालना है और इसको अच्छे से मिक्स करके आपने इसको ऐसे डीप करके रखना है। कम से कम आपने इस पनीर को 15 मिनट तक पानी में रखना है। ये देखिए, 15 मिनट हो गया है पनीर को डीप किया हुआ। अब हम पनीर की रस्सेदार सब्जी बनाते हैं। इसके लिए आपने 2 बड़ी कड़छी सरसों का तेल लेना है या आपने 1 बड़ी चम्मच सौंफ लेना है। इसको दरदरा से पीसना है आपने। 1 छोटी चम्मच हल्दी लेना है। 1 बड़ी चम्मच आपने लाल मिर्च पाउडर लेना है। 1 बड़ी चम्मच आपने कलर लाल मिर्च पाउडर लेना है। 1 बड़ी चम्मच जीरा धनिया का पाउडर लेना है और ये 1 बड़ी इलायची, इसको आपने हल्का सा कूटना है। ये देखिए, इसके बाद आपने नमक थोड़ा सा लेना है और आपने 1 ये तेज पत्ता लेना है। ये देखिए, गैस ऑन करके मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है। कढ़ाई गर्म हो गया है। अब हम इसमें ये सरसों का तेल डालेंगे। ये देखिए, तेल गर्म हो गया है। इसमें तेज पत्ता डालना है, बड़ी इलायची डालना है। इसके बाद आपने ये सौंफ डालना है। सौंफ डालते ही आपने गैस के फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है। सौंफ को आपने आधी मिनट तक फ्राई करना है। इसके बाद आपने ये मसाला डाल देना है। मसाला डाल के आपने इस मसाले को भी आधी मिनट तक फ्राई करना है, पर ध्यान रहे कि आपके ये मसाले जले ना। ये देखिए, आधी मिनट हो गया है और हमारा ये जो मसाला है ये भून गया है। अब हम इसमें ये डीप किया हुआ पनीर डालेंगे। पनीर डालने के बाद आपने इसमें एक कटोरी, छोटी कटोरी का एक कटोरी पानी डालना है। आप ग्रेवी अपने हिसाब से बना सकते हैं। इसके बाद आपने ये नमक डालना है। इन सब को आपने अच्छे से मिक्स करना है। अब इस पनीर में एक उबाल आने दें। ये देखिए, सब्जी में एक उबाल आ रहा है। इसको आपने अच्छे से चलाना है। इसके बाद आपने ये छोटी चम्मच का एक चम्मच गरम मसाला डालना है। ये सब्जी गरम मसाला है। गरम मसाला डालने के बाद आपने इसको अच्छे से चलाना है और इस पनीर की सब्जी को आपने मीडियम आंच में 5 से 6 मिनट तक पकाना है। ये देखिए, 6 मिनट हो गया और हमारे ये पनीर के रस्सेदार सब्जी बनके तैयार हो गया है। ये देखिए दोस्तों, ये दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। अब हम प्लेटिंग करते हैं। ये देखिए दोस्तों, पनीर की रस्सेदार सब्जी की रेसिपी बनके तैयार हो गया है। इस सब्जी को आप गरम गरम चावल रोटी किसी के साथ भी खाइए, ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। आपको मेरा ये रेसिपी कैसा लगा, आप अपना अनुभव मुझसे शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।